जनपद झांसी के थाना क्षेत्र लहचूरा के अंतर्गत आने वाले गांव चकारा में कल अचानक शाम 5 बजे भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से गांव चकारा के किसान छोटे लाल पुत्र रमोलिया हिरवार उम्र 52 वर्षीय के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गया। परिजनों ने आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं का गढ़ बन चुका है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते यहाँ पर किसान अच्छी फसलें पैदा नहीं कर पा रहा है। फसलें अच्छी ना होने से यहाँ पर किसान कर्ज में फंसा होने के चलते कर्ज ना चुका पाने की हैसियत में किसान आत्महत्या को मजबूर है। दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी किसानों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। जनपद झांसी थाना क्षेत्र लहचूरा के अंतर्गत आने वाले गांव चकारा में कल 4 और 5 बजे के बीच में सायंकाल में किसान अपने खेतों में छोटे लाल सनोफ रमोले अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। उसी समय भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से वो घायल हो गया। परिजन उसको आनन फानन मर लेकर मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं के चलते जहां बुंदेलखंड का किसान पहले से ही बदहाल है, उसी बदहाली का ये शिकार, जिसका स्टेट बैंक में लगभग 1.5 लाख का केसीसी का कर्ज है, कुछ साहूकारों का कर्ज है, 52 वर्षीय किसान के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। रात दिन मेहनत करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन कल अचानक प्राकृतिक आपदा के चलते उसकी मौत हो गई। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूँ कि पीड़ित परिजनों को 24 घंटे के अंदर राहत राशि दिलाई जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश नाम है। भाई साहब, क्या घटना हुई है आपके घर में? भैया खेत पर रखवाली करने के लिए गए थे और अचानक से पानी बरसा और गाज गिरी, इसलिए वो खेती पे ख़त्म हो गया। क्या नाम था भाई साहब का? उनका छोटे लाल और सुधियाराम नाम। खेत में क्या कर रहे थे? खेत में वे मूंग की कोस तोड़ रहे थे। क्या बजे की घटना है भाई साहब? 4-5 के बीच की घटना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अखिलेश प्रताप सिंह। आप चकारा के ग्राम प्रधान हैं? हाँ, प्रधान प्रतिनिधि जी। ये आपके कल जो है क्या घटना घट गई है आपके गांव में? ये छोटे लाल अहरवार हैं जाति से, जो अपने खेत पे थे, मूंग और दा रखाई कर रहे थे, या मूंग की कोसों से टूट रही हूँ, वो वजह से जो लोग खेत पे थे, उतने टाइम 4-4:30 के बीच में आकाशीय बिजली से की घटना हुई।